उसका हर एक शब्द उद्देश्य और मकसद के साथ होता है कि कुछ प्राप्त कर सके। सकारात्मक उद्देश्य के लिए वो शब्द का उपयोग करता है, जानबूझकर शब्दों का चुनकर उपयोग करता है। इसलिए वो ऐसा परमेश्वर है जो झूठ नहीं कहता, क्योंकि वो ऐसा नहीं कहेगा जो वो नहीं करना चाहता है। क्या ये सच है कि आप जो भी कहते हैं वही पाएंगे? क्योंकि यीशु ने कहा, जो भी कहता है वही पाएगा। यदि ये सच है तो हमें इसके बारे में उत्साहित होना होगा और सुनना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में। यदि ये सच है तो शब्दों के बारे में सावधान होना है। यदि ये सच है तो शब्दों को तुच्छ नहीं जान सकते हैं, शब्दों का मूल्य जानना होगा, अपने शब्दों का आदर करना है, अपने शब्दों को गिनना होगा, हम कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं इसके बारे में सावधान रहना होगा, हमें सराहना करना होगा हमारे जीवन में शब्दों की जो भूमिका उसके बारे में, हमारे अस्तित्व और परमेश्वर की पूरी योजना और उद्देश्य के बारे में। यह सत्य है कि विश्वासी अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करते। चलिए इस पर फिर से जोर देता हूं। देखिए, जब आप मसीह घर में जाते हैं, अक्सर आप उनके रेफ्रिजरेटर को देखिए, बाइबल के वचन से भरा होता है। इन दिनों में ऐसे चीजें बेची जाते हैं जो फ्रिज पर चिपका सकते हैं, अद्भुत चीजें हैं। मैं उसके विरुद्ध में नहीं, उसके लिए हूं। मेरे घर में भी ऐसा ही है, बाइबल के अद्भुत वचन कि आप उसे देख सके। जवान सिंह को घटी होगी, भूखे रह जाएंगे, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें भली चीज की घटी नहीं होगी। रेफ्रिजरेटर के लिए अच्छा वचन है, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। ये अच्छा वचन है। मैं सैकड़ों वचन दे सकता हूं जो फ्रिज पर लगा सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर के लिए अच्छे वचन है, अगली बार स्टोर में जाने पर लीजिए। ये सारे स्टिकर जो रेफ्रिजरेटर के लिए है, आपके कमरे के दरवाजे के लिए स्टिकर, बरामदे की और हर चीज के लिए, आपके पास हर चीज के लिए वचन है। जानते हैं जो इसे बेचते जानते कि कैसे बेचे। तो रेफ्रिजरेटर को वचन से भर सकते हैं और कहते हैं हम विश्वासी है, हम बाइबल पर विश्वास करते हैं। देखिए यहां कितने वचन रखे हैं हमारे रेफ्रिजरेटर पर। लेकिन आप रेफ्रिजरेटर खोलने वाले व्यक्ति को सुनिए जो उसमें से खाते हैं, वो क्या कहते हैं। हाँ, अब हम उसे सुनना नहीं चाहते। हमें रेफ्रिजरेटर देखना पसंद है, लेकिन हमें उस रेफ्रिजरेटर का उपयोग करने वाले को सुनना पसंद नहीं जो उसमें चीजें रखते हैं, खाने के लिए निकालते हैं। जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके शब्द क्या हैं। उनके शब्द कई बार बिल्कुल उल्टे होते हैं। उनके शब्द होंगे, ओ भाई, मुझे पता नहीं कल क्या करूंगा, मुझे पता नहीं कल खाने के लिए कहां से आएगा, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूंगा, यदि ऐसी चला तो मैं भूखे मर जाऊंगा। वो इस तरह के शब्द कहते हैं। वो सोचते हैं कि मसीह जीवन यही है कि अच्छे स्टीकर खरीद कर उसे रेफ्रिजरेटर पर लगाए। फ्रिज पर स्टीकर लगाना तो मसीह जीवन से बिल्कुल अलग है। मसीह जीवन तो फ्रिज पर स्टिकर लगाना नहीं है, मसीह जीवन तो जीना है, वो जो आपके मुंह से बाहर आता है और दिल से जो आता है।
आपके मुंह से जो आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दिल में भरा होता है वही मुंह से लीक होता है। ठीक है, बाइबल इसी तरह से कहती है, यानी जो कुछ आपके मुंह से आता है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दिखाता है कि आपके दिल में क्या है। और यदि आपके फ्रिज में बहुत से वचन है और जो व्यक्ति उसका उपयोग करता है, उसका मालिक है, वो बेकार के शब्द कहते जाते हैं, वो विश्वासी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि वो सोचते हैं कि वो आत्मिक है लेकिन वो आत्मिक नहीं है। वो सोचते हैं कि वो आत्मिक विश्वासी है लेकिन बाइबल कहती है कि उसका आत्मिक जीवन बेकार है, क्योंकि वो खुद को हरा रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, खुद को नीचे रख रहे हैं और खुद के लिए असफलता ला रहे हैं हर दिन, और ये विश्वास का जीवन नहीं हो सकता। चलिए कार के बम्पर स्टिकर को देखते हैं और विंडशील्ड पर। इन दिनों में ये लोगों को बहुत पसंद है। विख्यात वचन है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन होगा। जो लोग बाइबल के बारे में नहीं जानते वो भी इसे लेते हैं। मैं सोचता हूं कि इन्हें ये कहां से मिला है, किसी स्टोर के आदमी ने लगाया होगा। जब तक बाइबल के वचन की बात है, मैं खुश हूं कि लोग इसे पढ़ रहे हैं। यदि प्रभु हमारे साथ है तो विरोधी कौन हो सकता है, ये अद्भुत वचन है। लेकिन भीतर का व्यक्ति क्या कहता है? वो डर कहता है, वो हार कहता है, वो असफलता कहता है, वो डर कहता है। हाँ, वो डर कहता है, वो नहीं जानता, वो स्टीकर नहीं पढ़ता है, वो दूसरों के लिए है। दूसरे लोग जब इसे पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं? वो जानते हैं कि ये विश्वासी है। यानी जब वो कार चलाते तो वचन को देखते तो कहते ये विश्वासी जा रहे हैं, जानते हैं, देखिए इसे। लेकिन भीतर में अच्छा विश्वासी नहीं है। भीतर में ऐसा व्यक्ति है जो खुद को बेकार समझता है। भीतर में ऐसा व्यक्ति है जो खुद को असफल समझता है। भीतर में ये व्यक्ति डर और दहशत में रहता है, डर में और संदेह और अविश्वास में। देखिए, मसीह जीवन स्टीकर लगाना और हम बाहर क्या दिखाते हैं वो नहीं है, लेकिन मसीह जीवन तो वो है जो हम भीतर में हैं और जो बाहर मुंह से बाहर आता है, जो हमारे मुंह से बाहर आता है। देखिए, यही बात है। चलिए प्रार्थना के बारे में कहते हैं, बम्पर स्टीकर के बारे में कहा, तो चलिए सारी चीजों के स्टीकर के बारे में कहते हैं। देखिए, यहां वो स्टीकर के बारे में नहीं है, आपको इसे चिपकाना है अपनी जीप पर। और इसे कैसे कहूं, आपको इसे लेकर कोई मार्ग ढूंढना होगा कि ये आपकी जीप से चिपका रहे और दिल से चिपका रहे। लोगों ने इसे सुना, लोगों ने इसका प्रचार सुना, लोगों ने इसे कहते सुना, लोगों ने इसे पढ़ा, लेकिन ये दिल में नहीं चिपका और ना ही उनकी जीप पर चिपका है। उन्हें मार्ग ढूंढकर अपनी जीप से चिपकाना पड़ेगा, दिल से चिपकाना होगा, तो वो बाहर आ सके। ये उसी के बारे में है, जानते हैं। ठीक है, प्रार्थना के बारे में जानते हैं, क्योंकि वचन 23 कहता है कि पहाड़ से कहे और दिल में संदेह न करे और विश्वास करे, जो कहता वो होगा, तो जो भी कहा वो मिल जाएगा। फिर ये कहता है, इसलिए जब तुम प्रार्थना करो, इसलिए शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उससे जोड़ता है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करते हो, क्योंकि मैंने इसे कहा जो प्रार्थना के बारे में कहता है, तो मैं इसके बारे में ऐसे प्रचार करूंगा। जबकि हम पहाड़ हटाने वाली चीजों के बारे में कहते हैं, चलिए इसे प्रार्थना से जोड़ती हैं, इसलिए जब तुम प्रार्थना करो। वचन 24, चलिए इसे पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपकी कुछ इच्छा है, जब आप प्रार्थना करते हैं विश्वास करो कि आपको मिल गया तो आपको मिल जाएगा। अब विश्वासी लोग इन दिनों में प्रार्थना के बारे में जानते हैं, वो अच्छे से प्रार्थना करते हैं। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया, प्रार्थना तो भयानक थी, लेकिन इन दिनों में बदलाव आए हैं। अब प्रार्थना के वचन के बारे में इतना प्रचार हुआ है और ये सब, तो वो प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेते हैं और प्रार्थना में प्रभु की प्रतिज्ञाओं को कहते हैं। लेकिन ये वचन क्या कहता है? ये कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो तो जो भी चाहो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। समस्या यह है कि वो अच्छी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना प्रतिज्ञाओं से भरी है जो प्रभु का वचन है, और प्रभु से वचन जो कहता है वो करने के लिए विनती करते, और फिर वो विश्वास नहीं करते हैं कि उन्हें मिल गया है। प्रार्थना के बाद वो क्या कहते हैं? हेलो, अब विश्वासी लोग सोचते हैं कि उन्होंने प्रार्थना की इसलिए बहुत अच्छे हैं। और फिर वो मुझसे कहते हैं, देखिए भाई, उनके जैसे किसी ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन प्रभु ने उन्हें उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या आपने इसे सुना है? जैसे मानो प्रभु ने गलती की और ये बहन बहुत अच्छी है, वो हर उपवास प्रार्थना में गई, हर होल नाइट प्रार्थना में गई, प्रार्थना और प्रार्थना करती रही। मैंने इनसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला कोई नहीं देखा। क्यों ये सोचते हैं कि हमारी इतनी सारी प्रार्थनाएं प्रभु की हमारे लिए बहुत सी आशीषों को लेकर आएगी? हमने ज्यादा प्रार्थना की तो ये अच्छा है, लेकिन
बाइबल इस तरह से नहीं बताती है। बाइबल कहती है प्रार्थना करो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। प्रार्थना के बाद आपको देखना है कि क्या कहते हैं, क्योंकि यह अच्छी अद्भुत प्रार्थना है जो आपने सारी रात प्रार्थना की या सारा दिन या उपवास किया, और ये सब ये अद्भुत प्रार्थनाएं जो आपने की हैं वो प्रभावहीन हो जाती है बाद में आपने कहे शब्दों के कारण ही। यदि आप अद्भुत प्रार्थना करते हैं और फिर हर जगह हार की बात करते हैं, बस कहते हैं कि मैंने प्रार्थना प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हुआ, जानते हैं मैंने प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हुआ, मुझे पता नहीं प्रभु ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया, उसने उस व्यक्ति को उत्तर दिया। आपने कहा कि यदि मैं प्रार्थना करूं तो वो सुनेगा, लेकिन कहां भाई, मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि यह क्यों नहीं हुआ, यह उनके मुंह से बाहर आ रहा है। वो यही कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाद में अपने शब्दों से उस प्रार्थना को नाश करते हैं, उस प्रार्थना को प्रभावहीन करते हैं, या कई बार अलग तरह से करते हैं। वो अंगीकार करते हैं या पहाड़ से समस्या से कहते हैं, और फिर वो प्रार्थना करने जाते हैं, और फिर वो प्रभु से भीख मांगते हैं कि उस समस्या के लिए कुछ करे। उन्होंने पहाड़ से कहा, यानी विश्वास नहीं किया कि उन्होंने जो भी कहा है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी भीख मांग रहे हैं। अपने पहाड़ से कहने के बाद प्रार्थना में आपका व्यवहार तो प्रभु को धन्यवाद देने का होना चाहिए, क्योंकि आपने जो कहा वो मिल गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। आपने पहाड़ से कहा तो अब प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि जो कहा है वो आपको मिल गया है। देखिए, मसीह जीवन इस तरह का है, ये केवल अद्भुत प्रार्थना करना ही नहीं है। अब देखिए, ये प्रार्थना के बाद आप क्या कहते हैं वो है। हम सोचते हैं कि हम सारी रात प्रार्थना में गए और लंबी प्रार्थना की है तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाती है। बाइबल कहती है कि आप उसके बाद क्या कहते हैं, कि आप निरंतर कहते हैं कि आपने जो कहा है वो आपको मिल गया है, आप जो मांगते हैं वो पाते हैं। प्रार्थना के बाद आप क्या कर रहे हैं, हाँ मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे देगा, मैं निश्चित हूं कि वो मेरा है, मुझे कोई परवाह नहीं कि वो कैसे दिखता है, मैं विश्वास करता हूं कि मैं पाता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मिल गया यीशु के नाम में, मैं इसे पाऊंगा यीशु के नाम में। यही हमारा व्यवहार होना चाहिए। यानी केवल प्रार्थना नहीं है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे वचन इतने महत्वपूर्ण है। वो इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप अद्भुत प्रार्थना करते हैं तो आपके शब्द उसे नाश कर सकते, शब्द इतने महत्वपूर्ण है। हाँ, और यदि आप अंगीकार करें या पहाड़ से कहे अद्भुत शब्द, सामर्थ्य शब्द कहें, कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और फिर प्रार्थना में आप केवल शब्दों का उपयोग करते हैं और अपने ही शब्दों से आप अपना अंगीकार खत्म करते हैं। देखिए, फिर से शब्द समस्या लेकर आ रहे हैं। देखिए, बार बार ये फिर से शब्द की ओर ही फिर रहा है। हमारे शब्द महत्वपूर्ण हैं, सब लोग कहें हमारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। यीशु ये कह सकता था, जो कोई मुझसे कहे प्रभु प्लीज इस पहाड़ को हटा देना, इस पहाड़ को दूर करना, कि मैं इस पहाड़ के सताव से आजाद हो जाऊं, और मैं उस पहाड़ से कहूंगा और वो चला जाएगा, वो ये कह सकता था। लेकिन यीशु ने ये कभी नहीं कहा। उसने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो, यदि विश्वास करो, संदेह न करो, तो तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। इसका अर्थ है आप जो कहते हैं उस पर विश्वास करना होगा। यीशु इस सत्य पर जोर दे रहा था कि जो तुम कहते हो उस पर विश्वास करना चाहिए। आमेन। जो कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं। देखिए, ये ऐसी बात है जिसे करने के लिए हमें खुद को ट्रेन करना होगा। ये ऐसा नहीं कि बस चर्च में जाएं और निकल जाएं। ये जीवन की ट्रेनिंग का सेंटर है सच में। ये जीवन की ट्रेनिंग है कि कैसे सच में विश्वास का जीवन जीते जाएं। तो चलिए इसमें चलते हैं। जानते हैं आप कैसे खुद को ट्रेन कर सकते हैं कि शब्दों का उपयोग करें सामर्थी रूप में, सकारात्मक रूप में और सही तरीके से? सबसे पहले आप अपने शब्दों की सामर्थ को जान ले, आप सही शब्दों को कहने की गंभीरता को जान ले। हमें जानना होगा कि चाहे कितने भी प्रार्थना कर ले, यदि गलत शब्द का उपयोग करे तो सारी प्रार्थना बेकार होगी। शब्द महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप इसे निपटेंगे तो आप सच में सराहना करेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। बहुत से लोग अपने शब्दों की सामर्थ को नहीं समझते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के वचन की सामर्थ नहीं समझते हैं। जब आप अपने शब्दों की सामर्थ को समझते हैं, तब आप प्रभु वचन की सामर्थ समझेंगे। क्या आपके शब्दों में विश्वास है? आप जो कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं? देखिए, यदि आप ट्रेन करते हैं कि आप क्या कहते हैं और जो विश्वास करते हैं केवल वही कहते हैं,
यदि आप खुद को ट्रेन करते हैं कि जो विश्वास करे वही कहे, चुनाव करने वाले, उठाने वाले जो कहते हैं इसमें चुनाव करते हैं, आपके मुंह से जो भी बाहर आता केवल वही न कहे लेकिन चुनने वाले, उठाने वाले चुनाव करें, आप जानते इसका अर्थ क्या है। ठीक है, बस रुक कर सोचिए और शब्द को चुनिए। यदि आप ऐसा करें तो आपसे मैं कहूं आपका मुंह सामर्थ्य की जगह बन जाएगा। यदि आप खुद को इस तरह से ट्रेन करते हैं, अब जानते हैं कई बार हम लोगों से कहते हैं झूठ न कहना क्योंकि 10 आज्ञाएं कहती हैं, और झूठ न कहने की सारी शिक्षा के बाद में लोग फिर भी झूठ बोलते जाते हैं। हेलो, लोग फिर भी झूठ बोलते हैं। मैंने पाया है कि हमें सही तरीका ढूंढना होगा, यानी इसके बजाय कि ये कहे कि झूठ न कहें, मैं इस तरह प्रचार करता हूं, क्या आप अपने शब्दों पर विश्वास करते हैं? आप जिन पर विश्वास करते हैं केवल वही शब्द कहे, या आपके पास आया इसलिए केवल इसे न कहें। जैसे किसी ने कहा, जानते हैं मैं ये इसी तरह से जो आए मैं कह देता हूं, ये मेरी कमजोरी है, जो भी वो कहना महसूस करते हैं वो आएगा फटाकों के जैसे, मैं कहता हूं उससे दूर चले जाएं, उसके पास भी न जाएं, क्योंकि जो कुछ भी मेरे दिल में है वो केवल फूटता है। और आप कोई खास नहीं, आप तो केवल साधारण सामान्य व्यक्ति हैं, क्योंकि वो सब ऐसे ही हैं, जो भी दिल में है वही बाहर आता है। आप कब विशेष व्यक्ति होंगे, आप कब विशेष विश्वासी होंगे? जब आप अपना दिल सही करते हैं और केवल दिल में सही चीजें रखते हैं, और बोलने से पहले आप सोचते हैं और कहते हैं वही शब्द जो कहते हैं जो आप चुनते हैं, क्योंकि जिस शब्दों पर विश्वास करते हैं उसे कहते हैं, तभी आप असली मनुष्य होते हैं। जब आप खुद को इस तरह से ट्रेन करते हैं तो झूठ बोलना असंभव होता है, क्योंकि खुद को केवल वही शब्द कहने के लिए ट्रेन किया जिस पर विश्वास करते। यदि आप किसी बात पर विश्वास नहीं करते तो उसे नहीं कहते, यदि ये सत्य नहीं तो इसे नहीं कहते, यदि ये सही नहीं तो इसे नहीं कहेंगे। यानी आपने खुद को इस तरह से ट्रेन किया है, इसलिए आपके लिए असंभव है कि आप झूठ कहे। आप क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर वो है जो झूठ नहीं कह सकता? क्योंकि वो कभी एक भी बेकार का शब्द नहीं कहता है, वो केवल कहने के लिए एक भी बेकार शब्द नहीं कहता, वो हमेशा यानी उसका हर एक शब्द उद्देश्य और मकसद के साथ होता है कि कुछ प्राप्त कर सके। सकारात्मक उद्देश्य के लिए वो शब्द का उपयोग करता है, जानबूझकर शब्दों का चुनकर उपयोग करता है। इसलिए वो ऐसा परमेश्वर है जो झूठ नहीं कहता, क्योंकि वो ऐसा नहीं कहेगा जो वो नहीं करना चाहता है। अनुशासित है, वो विश्वास का प्रभु है, वो अपने वचन का प्रभु है, वो सारी बातों से ज्यादा अपने वचन को ही उठाता है जो उसके बारे में है। यानी आपको अपने शब्दों पर विश्वास करना होगा, इसलिए सारी बेकार की बातें नहीं कर सकते, और जिस तरह चाहे बात नहीं कर सकते, और फिर भी वो व्यक्ति हो जाए जो विश्वास में बढ़ रहा हो, क्योंकि ये इस तरह काम नहीं करता। आपको किसी तरह का अनुशासन चाहिए जहां आप खुद को अनुशासित करें और कहें कि मैं वही कहूंगा जिस पर मैं विश्वास करता, नहीं तो मैं चुप बैठूंगा, मैं केवल वही कहूंगा जो सत्य है, नहीं तो मैं शांत रहूंगा। जब आप खुद को इस तरह से ट्रेन करते हैं, जब आप खुद गंभीरता से वचन को लेते हैं और इसके बारे में बहुत चुनाव करते हैं, तब आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे। कुछ लोग प्रार्थना में इस तरह के हैं, वो कहते हैं, वो वॉल्यूम में बात करते हैं, वो कहते हैं आप हजारों प्रार्थना कीजिए भाई, कम से कम एक काम करेगी। क्या आपने किसी को ऐसे कहते सुना है? हजारों प्रार्थना कीजिए, शायद एक प्रभु तक पहुंचेगी, शायद उसमें से एक प्रभु को पसंद आए और वो जवाब दे, शायद दो का जवाब दे। मैंने कहा हजारों प्रार्थना क्यों करते हैं? आप शब्दों को चुने और सही बात की प्रार्थना करें, बस यही एक प्रार्थना करें कि आप जानते हैं कि ये सही तरीके की प्रार्थना है और जवाब ले। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ज्यादा प्रार्थना करते और परिणाम नहीं पाते हैं तो उतना ज्यादा उसके विषय अनिश्चित होते हैं, उतना ज्यादा आप विश्वास में कमजोर होते हैं, क्योंकि आपने प्रार्थना की और कुछ नहीं मिला, क्योंकि ऐसे शब्द कहे जिस पर आप विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए अच्छा है कि शब्दों को चुन ले, अच्छा है कि चुनाव करे और केवल उसी पर प्रार्थना करे, और आप जानते हैं कि यह प्रभु को ग्रहण योग्य है, उसके वचन की प्रार्थना करे, उसकी प्रतिज्ञाओं की प्रार्थना करे। प्रभु क्या चाहता है इसे जानना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, कि ये कहे कि मैं हजार प्रार्थना करूंगा शायद प्रभु को एक पसंद आए, नहीं, ये ऐसे दिखता है, जानते हैं कि
ये इतना मुश्किल है कि परमेश्वर कौन सी प्रार्थना पसंद करता है, इसलिए वो उसके सामने हजारों प्रार्थना रखते हैं? नहीं, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। प्रभु अपना वचन पसंद करता है, प्रभु अपने वचन का आदर करता है। यदि आप उसके वचन की प्रार्थना करें तो वो आपका आदर करेगा और आपको जवाब देगा। आमेन। मेरे साथ निकाले दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4, दूसरा कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। यहां विश्वास के बारे में अद्भुत वाक्य है। मैं सोचता हूं कि बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य ये कह रहा है कि उस व्यक्ति में विश्वास की आत्मा हो। हम में से कितने लोगों में विश्वास की आत्मा है? सब में विश्वास की आत्मा होनी चाहिए। विश्वास का आत्मा इस तरह से दिखाया जाता है। आप कैसे जानेंगे कि उस व्यक्ति में विश्वास का आत्मा है? कैसे जानेंगे कि उसमें अविश्वास और संदेह की आत्मा नहीं है लेकिन इसमें विश्वास की आत्मा है? आप कैसे जानेंगे? वो जो कहते हैं उससे, क्योंकि विश्वास की आत्मा का व्यक्ति वो है जो विश्वास करता है, और जो विश्वास करता है बस वही कहता है। ये वचन यही कहता है, जैसा लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते। पुराने नियम के बारे में कह रहा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। क्या आपने विश्वास के व्यक्ति को देखा है? वो विश्वास करते और कहते हैं। सब लोग कहे विश्वास करें और कहें। क्या हम इसी बारे में कह रहे हैं? बाकी कुछ न कहे, केवल जो विश्वास करते वही कहे। दाऊद गोलियत के सामने खड़े रहा, वो वहां पर कुछ भी कह सकता था, मेरे प्रभु कितना बड़ा दानव है, जानते हैं। ओ मेरे प्रभु, मैं इस आदमी से कैसे लड़ूंगा, ओ प्रभु मेरी मदद कर, ओ यीशु मुझे बचा, इस तरह से बहुत कुछ कह सकता था, जानते हैं। ओ ये आदमी इतना बड़ा है, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने कहा, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, केवल तुम्हारा सिर नहीं लेकिन सारी पलिश्ती सेना का सिर, और आज उन्हें पक्षियों को खिला दूंगा। तुम अपने सारे सामर्थ्य और बल और शक्ति से आते हो, लेकिन मैं मेरे प्रभु यहोवा के नाम से आता हूं। देखिए, वो जो विश्वास कर रहा था वही कह रहा था, वो जो महसूस कर रहा था नहीं कह रहा था। मैं जानता हूं उसे महसूस किया होगा कितना बड़ा दानव है, मेरे प्रभु तुम इसे देखो, लेकिन उसने कुछ विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि ये खतना रहित पलिश्ती कौन है, ये आदमी कौन है जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता है, जो परमेश्वर के लोगों का अपमान करता है। उसने कहा, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, पंछियों को खिलाऊंगा। वो विश्वास कर रहा था और कह रहा था, और कुछ नहीं कह रहा था, जो विश्वास कर रहा था वही कह रहा था। हेलो, किसी ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना, जो भी मैं कहता हूं काम नहीं करता। क्या आप यही विश्वास करते हैं? नहीं भाई, मैं कह रहा हूं, आप क्यों कह रहे हैं, ऐसे क्यों कहते हैं? यही तो समस्या है। यदि आप यह विश्वास नहीं करते तो क्यों कहते हैं? यह सच है, इसे सच रहने दे, लेकिन क्या आप यह विश्वास करते हैं? नहीं, इस पर विश्वास नहीं करता, तो फिर इसे क्यों कहते हैं कि आप जो कहते हैं वो काम नहीं करता? खैर, मेरे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई बात नहीं, मुझे प्रभु वचन से आप बताइए। मैं जो कहता हूं मुझ पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। हाँ, वो प्रभाव डालेगा, आप पर प्रभाव डालेगा। आप इसे कितने समय से कह रहे हैं? काफी समय से कह रहा हूं, जब से काम नहीं कर रहा तब से कह रहा हूं, मेरा यही अर्थ है। आप एक इंच भी नहीं बदले हैं, जो आप थे उसमें से एक भाग भी नहीं बदले हैं, जानते हैं। ये कहने से कि आप जो कह रहे हैं कर रहे हैं वो काम नहीं करता है। आप जब से इसे पा रहे हैं तब से कह रहे हैं, और इसे तब तक पाएंगे जब तक कहते रहेंगे। हेलो, ये इसी तरह होता है सामान्य रूप में। अब क्या आप इसे पाकर कहेंगे या कहते हुए पाएंगे, इसी तरह से करते रहेंगे, या फिर आप कुछ और कहेंगे जो इसे बदल देगा? हेलो, अब यदि आप में कुछ समझ हो तो रुक कर कहेंगे, मेरे प्रभु मैं अब तक इसे कहते रहा हूं और मेरे पास यही है, बदलाव के लिए मैं अभी और कुछ और कहूंगा और मेरे पास जो है उसे बदल दूंगा। Overcome by the power.
thanks be to God, who always comes, says us triumph in his name. Thanks be to God, who always comes, says us to win. Yeah, thanks be to God, who always comes, says us triumph in his name. Thanks clap be our hands to and God, say. Thanks be to God, we have overcome. You're the one, hallelujah, hallelujah, the one who made a way for us to triumph in the name. Oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa. Got the victory. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright.